देवगांव में आजमगढ़ वाराणसी मुख्य मार्ग पर सड़क पर जमा पानी से आवागमन हुआ बाधित, व्यवसाय हुआ चौपट। आजमगढ़ वाराणसी मुख्य मार्ग पर देवगांव में लबालब पानी भरा होने से जहां बैंक में आवागमन करने वाले लोगों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं व्यवसाय पूरी तरह चौपट होकर रह गया है। कोचिंग क्लास करने और स्कूल जाने में बच्चों को असुविधा हो रही है तथा दवा इलाज के लिए स्थानीय क्षेत्र में आने वाले लोगों को भारी मुसीबत उठानी पड़ रही है। फ्यूचर कंप्यूटर के संचालक सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि जब से बारिश आरंभ हुई है सड़क पर पूरी तरह लबालब पानी भर गया है, जिससे जहां स्थानीय क्षेत्र में स्थित इंडियन बैंक, स्टेट बैंक, यूनियन बैंक में आने जाने वाले लोगों को भारी मुसीबत उठानी पड़ रही है, वहीं कोचिंग करने छात्र छात्राएं नहीं आ पा रहे हैं और उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। रेवसा निवासी अरुण कुमार ने बताया कि पानी भरा होने से व्यापार चौपट हो गया है और इधर आने वाले मरीजों को भारी असुविधा हो रही है। स्थानीय निवासी बबलू प्रजापति और मुनीब विश्वकर्मा ने बताया कि नाली तो बनी हुई है लेकिन इसके पट जाने से जल निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे पानी भरा हुआ है और लोग मुसीबत झेल रहे हैं। उसरौली ग्राम सभा के पूर्व ग्राम प्रधान अलगू राम ने बताया कि यहां जल निकासी का उचित प्रबंध न होने से सड़क की यह हालत हुई है और लोगों को भारी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। यातायात पूरी तरह प्रभावित है और पैदल चलना तक पूरी तरह दुश्वार हो चुका है। पानी कब से भरा हुआ है सर? पानी एक हफ्ते से भरा हुआ है, जैसे बारिश आई हुई है। हाँ। इसकी वजह से काफी समस्याओं का सामना झेलना पड़ रहा है, कोई आ रहा है, आए दिन लोग दुर्घटना होती जा रही है। क्या प्रशासन भी कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, ना सरकार से कोई पहल हो रही है? यहाँ पे स्टेट बैंक है, यूनियन बैंक है, इंडियन बैंक है और यहाँ पे काफी दिन आए लोगों को समस्याओं का सामना झेलना पड़ रहा है और आए दिन कोई न कोई दुर्घटना कोई न कोई जिन्हें कारण बना रहता है, जिससे कि हम लोगों के यहाँ पे व्यापारियों को भी समस्या हो रही है, व्यापार भी नहीं हो पा रहा है। लोग आ जाए मतलब ग्राहक आ ही नहीं रहे हैं तो व्यापारी कहाँ से काम करेंगे? बैंक में भी आने जाने वाले लोगों को समस्या बहुत समस्या हो रही है सर। बैंक में इतनी ज्यादा समस्या हो रही है कि आए दिन कभी बुजुर्ग आ रहे हैं, गिर जा रहे हैं, उनको निकालना पड़ता है, सारी चीजें हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार गुप्ता नाम है हमारा। कौन रोड है ये? ये आजमगढ़ वाराणसी रोड है। देवगांव की हालत ये? जी, देवगांव की हालत बहुत ही खस्ता हो गई है जी। ये लगभग एक हफ्ते से जब से बारिश शुरू हुई तब से ही है इसका मतलब? जी 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 जी, आए दिन बारिश में तो समस्या है, बारिश तो हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन बारिश की वजह से यहाँ पे पानियों का एकदम कहीं से निकासी ही नहीं है। नाली बनी हुई है, नाली पट्टी पड़ी है, नाली जाम। हाँ, नाली जाम है, उसको भी नहीं साफ करवा रहे हैं। उससे साफ करवाते तो पानी निकल जाता, नाली भी साइड से बनी हुई है। इस पानी की वजह से यहाँ पे कोचिंग भी प्रभावित हो रही है, लोगों को आने में समस्या हो रही है, बच्चियाँ आ भी नहीं है, पढ़ने आ भी नहीं पा रही हैं, आए दिन लोगों का गिरना लगा रह रहा है, बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, रास्ता एकदम अवरुद्ध हो गया है, तो बच्चे जाएंगे कहाँ से? हम लोग प्रयास कर रहे हैं प्रशासन तक हमारी बातें पहुँचे और प्रशासन इस पर ध्यान दे। आने जाने में बहुत ही समस्या हो रही है, बीमार व्यक्तियों के लिए फिर ले जाने ले आने में आगमन रुक रहता है, आए भी नहीं बराबर, मिला जुला के ऐसे ही रहता है जी। और यहाँ पे कोई देखभाल करने के लिए, इससे व्यापार भी प्रभावित हो रहा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे दो तीन बैंकें भी हैं और काफ़ी समस्याओं का यहाँ पे झेलना पड़ता है। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार, निवासी ग्राम रेवसा। रेवसा, तो क्या मांग करेंगे? मांग क्या है, प्रशासन इसको सही कराए और क्या इससे ज्यादा क्या समस्या है? समस्या यहाँ पे है कि सर यहाँ पे जो है बारिश में बार बार जो पानी भर जाता है और यहाँ पे दुर्घटना का कारण है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? बबलू प्रजापति। आप बताइए क्या दिक्कत है? यही परेशानी है, हम लोगों का रोड लेकर के पानी वानी भरा है, इसमें पब्लिक भी गिर जा रही है, औरतें भी गिर जा रही है, इतना खट्टा हो गया है। ये आवागमन तो पूरा बाधित है, सड़क पे पूरा पानी भरा हुआ है, सिर्फ गाड़ी उड़ी से लोग आ जा रहे हैं, वैसे तो आना जाना संभव नहीं है कि आ जा पाए। पटरी भी पूरी तरह एकदम क्षतिग्रस्त है, पटरी है ही पानी का निकारा नहीं है, कहीं कहाँ पे जाएगा पानी? नाली तो, नाली तो बनी हुई है, नाली तो पूरा भटा हुआ है, उसका साफ भी नहीं हुआ है। यहाँ के पूर्व प्रधान रहे हैं तो ये हालत हुई है नाली ओली की, क्यों नहीं बन पा रही है? तो पता लगा कि पहले नाली बनी थी और कई साल हो गया सर नाली बनी नहीं है, जब जनता जो है परेशान है, आना जाना मुश्किल हो गया है, पैदल आना जाना मुश्किल हो गया है, साइकिल और मोटरसाइकिल छोड़ी